हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ जो झटपट बनकर तैयार हो जाएगी बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट के साथ। इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ घर पे अवेलेबल है उसी का यूज़ करके हम यहाँ पर बनाएंगे इसे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे कॉमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हरी चटनी बना लेती हूँ जिसे मैं रोल में यूज़ करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, दो तीन लहसुन की कलियाँ, एक हरा मिर्च, थोड़े से पीनट्स भी ले लिए हैं टेस्ट को और बढ़ाने के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा दही डाल दूँगी टेक्स्चर के लिए और इसको नमक डाल के मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। एक स्मूथ पेस्ट बनाना है मुझे चटनी ऐसा। तो मैंने यहाँ कर दिया है जार का ढक्कन बंद और अब मैं इसे पीस लूँगी। तो मेरी चटनी यहाँ पे बन चुकी है, आप टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम ही स्मूथ पेस्ट बनाया है मैंने। देखने में बहुत ही शानदार लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ काट कर रख ली हैं, पत्ता गोभी रख लिया है, कैप्सिकम रख लिया, ऑनियन रख लिया। अगर आपके पास पत्ता गोभी नहीं है या कैप्सिकम नहीं है तो आप कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं, ओनली ऑनियन से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो रोल के लिए आटा लगाया है वो मैंने गेहूं का आटा यूज़ किया, उसमें मैंने अजवाइन और नमक डाल के थोड़ा सा सान लिया था। और मैंने यहाँ पे मैदा यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे एक हेल्दी रोल बनाना था जो मैं डेली खा सकती हूँ या मेरा जब भी मन हो खा सकते हूँ और जो कि नुकसान भी ना करे, तो इसलिए मैंने यहाँ आटे का यूज़ किया। आप भी बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है, मैदे से भी टेस्टी लगेगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बेल के इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल लगा लिया है और इसे मैं ऐसे कट करके रोल कर रही हूँ ताकि इस पे जो एक क्रिस्पी टेक्सचर होता है ना वो भी आ जाए। और तो मैंने इसे अब रोल कर लिया है और अब मैं इसे बेल लूँगी। रोल की जो थिकनेस है ना वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको मोटी पसंद है तो आप मोटा बेल सकते हैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा थिन पसंद है तो इसलिए मैं थिन बेल रही हूँ। और ओवरऑल जब आप रोल को सेकेंगे तो उसमें जब आप ऑयल यूज़ करेंगे तो ऑयल की वजह से क्रिस्पीनेस तो आती ही है, अगर आप कम ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसे पतला सेकें ताकि वो जल्दी क्रिस्पी हो जाए, थोड़ा सा मोटा सेकेंगे तो ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा पतला बेल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा हेल्दी वे में बना रही हूँ, तो मैं यहाँ बहुत ही कम तेल का यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं अपने पराठे को हल्का सा ऑयल लगा के दोनों तरफ से सेक लूँगी, मुझे इसे ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा ही सेकना है क्योंकि बाद में भी हमें इसे जब हम एग के साथ इसको पकाएंगे तो इसके साथ भी हमें ये सेकना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे अभी बाहर निकाल लिया है। और अब मैं करती हूँ एग रोल की प्रिपरेशन। तो मैंने यहाँ दो अंडे ले लिए हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा अपना होममेड मसाला ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये जो मिर्ची वाला मसाला है ना जो मैंने पहले रोल में भी यूज़ किया था, ये मेरा घर पे बनाया हुआ एक स्पेशल मसाला है जिसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी शेयर करने वाली हूँ। इस मसाले को आप कभी भी किसी भी चीज़ में यूज़ करिए, बहुत टेस्टी लगता है। आपने कभी जीरा मन पाउडर खाया होगा तो ये उस तरीके का ही टेस्ट देता है, बट बहुत ईजी है इसे बनाना, आप घर पर बना के स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग को तवे पे डाल दिया था, उसे फैला के इसके ऊपर मैंने अपना पराठा रख दिया और हल्का सा तेल लगा के मैं इसे थोड़ी देर सेकने दूंगी। तो जैसे कि मेरा ऑमलेट कुक हो चुका है तो मैं इसे अब अच्छे से पलट दूंगी निकाल कर। तो देखिए मेरा ऑमलेट कुक हो चुका है, मैं पराठे को नीचे से हल्का सा क्रिस्पी होने तक सेकूँगी और फिर मैं इसे निकाल लूँगी। अगर आप यहाँ पे ऑयल का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप बिना ऑयल के भी इसको सेक सकते हैं या घी का यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो एग रोल हो चुका है मेरा रेडी और अब मैं इसमें करूँगी फिलिंग जो कि हमने पहले प्रिपेयर करके रखी है। तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा टमाटो सॉस, थोड़ी सी ग्रीन चटनी, आप टमाटो सॉस की जगह सिजवान चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चटनी को कर लिया अच्छे से रोल में स्प्रेड ताकि इसका बराबर टेस्ट हर जगह से आए हमें। अब इसमें मैंने थोड़ा सा कैबेज डाल दिया है, थोड़ा सा ऑनियन डाल दूँगी मैं यहाँ पर, और आपको जो सब्ज़ी इसमें ज़्यादा पसंद हो आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। कई लोगों को कैप्सिकम पसंद नहीं होता तो वो नहीं डालते हैं, मुझे पसंद था इसलिए मैंने थोड़ा सा कैप्सिकम भी ऐड कर दिया। इसके ऊपर मैंने वही मसाला, अपना स्पेशल मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन चटनी और ऐड कर दूँगी ऊपर से, थोड़ा सा मायोनीज़ ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा टमाटो सॉस ऐड कर दूंगी, लेकिन मायोनीज़ और टमाटो सॉस ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करिए वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये इसके बिना भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इसे मैंने रोल कर दिया है और एक रैप की हेल्प से इसे मैंने अच्छे से रैप कर दिया है।
तो हमारा यम्मी सा एग रोल यहाँ पर रेडी हो गया है। मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और भी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस पर लाइक कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, इन्जॉय।